नमस्कार, आप देख रहे हैं जलको शेखावटी और मैं हूं आपके साथ भव्या जैन। पाटन में दिन दहाड़े सुनार की दुकान पर हुई लूट, सोने के आभूषण ले फरार हुए आरोपी। निमकथाना तहसील के पाटन डाबला रोड होली चौक से बाजार जाने वाले रास्ते में सच ज्वेलर्स पर गुरुवार दोपहर लगभग 3:30 बजे दो लोगों ने गहने दिखाने के बहाने लगभग 200 ग्राम सोने से बने आभूषण की चोर कर फरार हो गए। क्या नाम है बाबा जी आपका? सुरेश। अच्छा, क्या क्या लेके गए? दो चैन सोने की। अच्छा, तीन झुमके की जोड़ी और अच्छा 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 और अच्छा, ये समथिंग कितने का रुपए का था? 80 ग्राम सोना। अच्छा, 4 लाख रुपए का है। अच्छा, ये कब की घटना है बाबा जी? आप कहाँ थे उस टाइम? अच्छा, यहाँ कौन आए थे? दो लड़के। क्या बोले आपको? बोले वो ओम का टिकड़ा दिखाओ। अच्छा, फिर आप दिखाने लग गए, फिर आपको पता नहीं चला? नहीं, फिर वो डब्बे में सामान रख रखा था, वो डब्बे में डब्बा कहाँ रखा था? दिखा दे, दोबारा कार्ड दिखा दे ना। डब्बा दिखाइए, डब्बा पोजीशन दिखा दे। मैं डब्बा रख लिया, ये देखिए। अच्छा, ऐसे डब्बा रख रखा था, ये बोल तो रहे तू। अच्छा, ये यहां खड़ा था। अच्छा, इसमें आते हैं लोग, दूसरे इसमें आते हैं लोग, वो पंजे वाले दिखाओ। अच्छा, मेरे पास नहीं, लो ठीक है अंकल जी। अच्छा, कौन से डब्बे में से निकाल लेंगे फिर वो? अच्छा, इसी डब्बे में निकालो। चलो बाबा जी, थैंक यू। अलग अलग अपनों से पुलिस आरोपियों की शिनाख्त करने में जुट गई है। दिन दहाड़े हुई लूट से कस्बे के व्यापारियों में दहशत फैल गई है, वही कस्बेवासी भी इस घटना से भयभीत है। पाटन में लूट खसोट की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे पूर्व में भी कोटपुतली रोड पर एक कपड़े व्यवसायी का बैग लेकर फरार हो गए थे। उससे पहले धांधेला रोड पर धांधेला निवासी श्रीराम सैनी की जेब से 45,000 रुपए निकाल कर फरार हो गए। धांधेला बाईपास पर नौसेना के एक सैनिक का मोबाइल छीन लिया था। उसके बावजूद भी ये आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी है।